दोस्तों आपका स्वागत है शोर सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे आपको बता ही है, इस चैनल पे हम जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं DSSSB के वो डाल रहे हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आपके सामने लेके आए हैं TGT मैथ्स का एग्ज़ाम जो कि हुआ था 2014 में, TGT मैथ। तो ये देख लीजिए, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे किस टाइप का एग्ज़ाम आता। टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम है ये। सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किक योग्यता, अंक गणितीय संख्यात्मक योग्यता, भाषा परीक्षण हिंदी इंग्लिश, ये सब मिला के आते हैं 100 नंबर के। और पोस्ट स्पेसिफिक विषय विषय संबंधित क्वेश्चन आते हैं पूरे 100 नंबर के। टोटल 200 नंबर का है। तो ठीक है दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस एग्ज़ाम पेपर के जो जो भी आए थे। तो ये देखिए दोस्तों, सामान्य जानकारी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2014 में इंचन में संपन्न एशियाई खेलों में अपना कांस्य पदक अस्वीकार करने के लिए किसे कार्रवाई का सामना करना पड़ा। दूसरा है इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम। इधर देखिए, मोहिनी आट्टम नृत्य प्रकार इस राज्य से है। रिकेटस, यह बीमारी इसके अभाव में होती है। फ्रेंड्स इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, सारे क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए किस टाइप का टेस्ट आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। यहूदियों का प्रार्थना स्थल है। संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं। हाल ही में अरब स्प्रिंग बताए जाने वाले लोगों की बगावत की श्रृंखला मूलतः यहाँ से आरंभ हुई। निम्न में से कौन सा शहर पारंपरिक साड़ियों कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सन 1969 पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्राप्तकर्ता कौन थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। 12/10/2014 के दिन एक बहुत तीव्र चक्रवाती तूफान हुड यहाँ आया। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा का साधारीकरण इस वर्ष तक। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। वह लोह पुरुष कौन है जिसकी मूर्ति पर 31 अक्टूबर 2014 को श्री नरेंद्र मोदी ने फूलमाला चढ़ाई। अरविंद केजरीवाल इस पक्ष के नेता हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और इनका भी। सार्क को पूर्ण कीजिए। अब आ गया है दूसरा पार्ट, सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किक योग्यता। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, यदि D=4 है और BAD वूलशिप, ये देखिए तो मिल्क का होगा। लापता संख्या पता कीजिए। तो दोस्तों ये लापता संख्या पता कीजिए, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने और भी एग्ज़ाम में देखे हैं DSSSB के, तो ये बड़े इजी होते हैं और मैं इनसे रिलेटेड एक वीडियो भी बड़ा जल्द अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे, तो आप उसको देख लीजिए। दोस्तों इस तरह के काफ़ी उत्तर क्वेश्चंस आते हैं। प्रश्न नंबर 30-31, दिए गए उत्तरों में से निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम कौन सा है। इंटेलेक्चुअल शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं रचा जा सकता। संबंधित शब्द का चयन कीजिए। शहद, फूल, मधुमक्खी, ये तो 30 और 31 का ही होगा। 35वां है, के यह एफ की बहन है। जी यह सी का भाई है। सी यह ए की बेटी है। एफ यह ए का भाई है, तो जी का चाचा कौन होगा। एक ये हो गया रिलेशंस वाले, ब्लड रिलेशन, और ये रिलेशंस वाले क्वेश्चंस भी 2 या 3 पूछे जाते हैं। जब एक परिवार का समूह फोटो खींचा गया तो पिता बेटे की बाई और दादा के दाहिनी ओर बैठा पाया गया। माँ अपने बेटे के दाहिनी ओर बैठी थी लेकिन दादा के बाई ओर थी। केंद्र स्थान में कौन बैठा। देख लीजिए दोस्तों, आराम से मैं स्कूल करता रहता हूँ, धीरे धीरे वीडियो चलता रहेगा। बाकी आप पुश करके भी इसको देख सकते हैं। अगर ऐसे रीड भी करने लगे तो वीडियो मेरे ख्याल में लगभग 1 घंटे के आसपास बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। देख लीजिए, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित बेटे और 1 अविवाहित बेटी है। बेटों में 2 को प्रत्येक 2 लड़कियां हैं और 1 को 1 बेटा। उस परिवार के महिला सदस्य कितने हैं। लापता संख्या पता कीजिए। देखिए फिर आ गया ऐसा,
ये देखिए, एस को यह एस यह क्यू से ऊंचा है और पी से नाटा है। आर यह टी से नाटा है लेकिन पी से ऊंचा है। यदि वे बढ़ते क्रम में एक कतार में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े रहते हैं तो बीच में कौन खड़ा है? अब आ गया है अंकगणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता। देख लीजिए आप क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, देख लिए आराम से। एक्स वाई और वाई जेड यह दो रास्ते हैं जो क्रमशः 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई के हैं और आपस में अभिलंब है। एक्स और जेड के बीच की दूरी न्यूनतम रास्ते से जाने पर कितनी है? देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, 2 से 42 तक के स्वाभाविक सम संख्याओं का योग पता कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बैंक अपने CDT योजना में मासिक 10 रुपये के योगदान के अनुसार 60 महीनों में ₹761 देता है। वह बैंक 40 के CDT पर 5 वर्षों में कितनी राशि देगा? 5³=125 का लॉगरिथम तरीके से लिखिए। 4 और 64 के बीच में गुणोत्तर माध्य क्या है? 12,000 की सावधि जमा राशि पर 6% प्रतिवर्ष दर से त्रैमासिक ब्याज है। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी कमीज और टोपी पहनते हैं जबकि 25 विद्यार्थी कोट और टोपी पहनते हैं। यदि 10 विद्यार्थी कमीज कोट और टोपी पहनते हैं तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये देख लीजिए, अब आ गया है अगला सेक्शन, भाषा परीक्षण हिंदी। तो भाषा परीक्षण हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये देखिए आप, ये देख लीजिए। 61 से 64 व्याकरण शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। इनमें से शुद्ध वाक्य छाँटना है। ये 4 क्वेश्चन दे रखे, 61, 62, 63, 64, 4 क्वेश्चन हैं। देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन ये हो गए। और 65 से 69 विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। विजातीय अलग से कौन सा है? गाय, बैल, घोड़ा, सिंह, इसमें से गाय, बैल, घोड़ा ये तो घर पे पाले जाने वाले जानवर हैं और ये जंगली जानवर, सिंह तो ये अलग हो जाएगा। चाय, कॉफ़ी, दूध, भात, इसमें भात अलग हो गया। जैसे ये भी देखिए, मैसूर, बेंगलोर, मुंबई, अंकोला। और आगे देखिए, जनार्दन, नारायण, अतुच्य, रावण, गज, अश्व, हाथी, हस्ती। 70 से 74 विरुद्धार्थक शब्द चुनकर लिखिए। अभिज्ञेय का क्या होगा? अंधेरा, अगम, आयात, उचित। इनमें सही विन्यास का शब्द है। लकड़ी शब्द का बहुवचन रूप है। कल्पना का विशेषण शब्द है। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है। ये देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। गहराई, गहराना, गहराई, गहरा। सही शब्द से खाली जगह भरिए। राम अच्छा लड़का है, अच्छे अच्छा लड़का है। अब आगे हैं भाषा परीक्षण अंग्रेजी। 81 से 100 तक 20 क्वेश्चन इसके हैं। ये देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 82-83, चूज द अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस विच में इम्प्रूव्स द सेंटेंस। यू कैन नॉट पास डैश एज लॉन्ग एज यू स्टडी। इसी तरह का ये है 83वां, 83 देखिए। अब 84-85, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ये देख लीजिए, आई विल राइट अ लेटर।
क्वेश्चन नंबर 86 एंड 87, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस. सब्सटीट्यूट ढूंढना है, स्टडी ऑफ वर्ड्स क्या कहा जाता है. द लाइन वेयर द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट. क्वेश्चन नंबर 88 to 90, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस ए बी और सी हैज एन एरर. इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज जी. ये देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. 88 to 90 यही है, तीन क्वेश्चन हैं ये. डायरेक्शंस 91 and 92, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल द ब्लैंक्स. देखिए इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन. 93 देखिए, फाइंड द वर्ड विच इज़ द मोस्ट पॉजिटिव मीनिंग टू द गिवन वर्ड. रिजेक्ट. क्वेश्चन 43, फाइंड द वर्ड विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. एम्फेसिस. द प्लूरल ऑफ टूथ इज, पास्ट टेंस ऑफ द टीथ इज. क्वेश्चन 97 to 100, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंगली. पैसेज पढ़ के, अनसीन पैसेज के चार क्वेश्चन आ गए हैं ये. अनसीन पैसेज के हैं, इसमें से पढ़ के ये चार क्वेश्चन, इनका आंसर आप दे सकते हैं. आप इसको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ सकते हैं चाहे तो. वीडियो को रोक रोक के पढ़ लीजिए, फिर आंसर दे के देख लीजिए. ये क्वेश्चन देख लीजिए. अब सीरियस हेल्थ कंसर्न मॉडर्न अमेरिका रिलेटेड टू स्मोकिंग, फास्ट लाइफ, ओल्ड डाइट, लोनलीनेस. फूड डेजर्ट्स आर, ये देख लीजिए इसके ऑप्शन. फूड डेजर्ट्स आर फाउंड व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप मोस्टली रिसोर्ट टू. तो अब आ गए हैं हम पोस्ट स्पेसिफिक, जो सेक्शन बी है पोस्ट स्पेसिफिक, जो कि अपनी है मैथ्स. टीजीटी मैथ. सो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. देख लीजिए हमसे, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं. थे ये हिंदी में, ये देख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं दिखा देता हूँ आपको. ये पुराना क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का, टीजीटी का, देख लीजिए.